सोने और चांदी में तेजी आने के पांच मुख्य कारण हैं। पहला जो मुख्य कारण मुझे लग रहा है वो है करेक्शन इन इक्विटी मार्केट, और यहाँ से जो पैसा होता है वो सेफ हेवन असेट्स की तरफ बढ़ता है, ये पहला और मुख्य कारण होगा। दूसरा कारण जो है वो मुझे लग रहा है ट्रेड टेंशन बिटवीन US और चाइना, ये काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट काफ़ी महीनों से ये ट्रेड टेंशन चल रहा है, जिसके चलते हुए भी सेफ हेवन असेट्स में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली है। तीसरा जो कारण होगा वो मुझे लग रहा है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी अक्रॉस द ग्लोब। आप देखिए हर जगह पे डॉलर के कंपेयर में करेंसी वीक होते हुए देखने मिल रही है, रुपया भी यहाँ पे वीक होते हुए देखने मिल रहा है, ये तीसरा मुख्य कारण होगा। चौथा कारण मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है हैवी बाइंग ऑफ गोल्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, जो वर्ल्ड की जो सेंट्रल बैंक्स है गोल्ड में हैवी बाइंग कर रही है काफ़ी महीनों से, तो ये एक और दूसरा कारण है। और पांचवा मुझे जो कारण लग रहा है वो है डोविश स्टेटमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स ऑफ अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बैंक्स एक डोविश स्टेटमेंट अकोमोडेटिव पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिसके चलते हुए हमें सोने और चांदी में एक उछाल देखने मिला है, एक जोरदार तेजी देखने मिली है काफ़ी कुछ दिनों से। और अगर आंकड़ों पर जाते हैं तो आज 15 अगस्त के दिन पे अगर मैं आंकड़े रखता हूँ, तो अगर हम लोग लास्ट 3 साल के आंकड़े देखते हैं तो सोने की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 16-17 में सोना ने लगभग 8% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, 17-18 में यहाँ पे 4% का पॉजिटिव रिटर्न था, और अगर आज तक की बात करें, अगर 18-19 की बात करें तो अब तक हम लोग ने यहाँ पे 26% का रिटर्न देख चुके हैं। और यही अगर सिल्वर की बात करते हैं, चांदी की बात करते हैं, तो 16-17 में चांदी में हमने -19% का रिटर्न देखा था, 17-18 में यहाँ पे -1% का रिटर्न था, और हाल फिलहाल यहाँ पे 18-19 में हमें लग रहा है यहाँ पे 14% का रिटर्न ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो मेरा ये मानना है आने वाले दिनों में, नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट 15 अगस्त तक का एक साल का अगर सिनेरियो लेके चलते हैं, तो यहाँ से और पॉसिबिलिटी सोने और चांदी के प्राइस बढ़ने की हम लोग ओवरऑल नहीं कर सकते। हो सकता है यहाँ से हमें मिनिमम यहाँ से 15-20% का राइज अभी भी यहाँ ये लेवल से देखना मिल सकता है।